शांति आज आम आलोचना करवा मुक्ति और जीवन मुक्ति को पुराणा काल रु आम मन में भरी दि जाए मनिषर लक्ष्य हूँ मुक्ति ये समाज आम संसार गोटे सगर जहाँ कौन आम भव सगर एवं ये सगर रु आमर मुक्ति दरकार ये संसार हूँ गोटे सगर एवं जननीर जठर हूँ गोटे बंदीखाना सदा बेले आम धारण रही आम बारंबार जन्म नवा अर्थ संसार को आमर केवल कर्मर फल भोग करने को अच्छे तेणु आम संसार को आसु कर्मफल भोग करने एवं कर्म फल जो चुक्त होगी कर्मर फल भोग करने को रहा आम से भाव में मानने कर्म करवा से भाव में आम आत्मज्ञानी हो पारा से आमको आउ ये संसार को आसवाक पड़ो ना आमको पूरा मुक्ति मिल जाव आम जा परमात्मा सांग आत्मा परमात्मा सांग लीन हो यही भाव आम प्रथम जाणी जे आत्मार लक्ष्य हूँ परमात्मा सांगे मिलन जिते पर्यटन से परमात्मा सांगे मिलन तार न घटी से पर्यंत से बारंबार 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 संसार सृष्टि चक्र में आसब ही आस यही भाव धारणार बशवर्त आम भावु जो मुक्तिटा को पाइबाक आमको प्रथम कर्म बंधन रु मुक्ति लाभ करने अच्छा हाउ कर्म बंधन पुणी कौन कह कर्मर बंधन विषय से ही आम पूर्वपुरुष मैंने कही आ मुनि ऋषि मैंने कहते साधु सन्यास मैंने कहते कौन ना ये कर्म विभिन्न प्रकार तार बंधन अच्छे ये चलती कर्म जहाँ को आम क्रियमाण कर्म कह संचित कर्म प्रारब्ध कर्म एमती विभिन्न प्रकार कर्म रही कर्म फल को आमको भोग करके पड़े संचित कर्म फल भोग करके पड़ो क्रियमाण कर्मर कर्म फल भोग करके पड़ो प्रारब्ध कर्मर कर्म फल भोग करके पड़ो तेव ये सब कर्मर कर्मफल जो चुक्त हम से आम मुक्ति लाभ कर आम टे गभर भाव चिंता करवा कर्म को पुणी कौन कह कर्म को पुणी दी भाग विभेद कराई गोटे हूँ शारीरिक कर्म आ गोटे हूँ मानसिक कर्म शारीरिक भाव में आम भल कम कले भल फल भोग करने खराब कर्म कले आम खराब फल भोग करमती मानसिक कर्म अच्छे धरतु आपंकर गोटे सुंदर गाड़ी टे देखी तो मो मन लोभ है जे ये गाड़ी टी मो अख्तियार करती कि गोटे कर्म हो गला से कर्मार फल आमको भोग करके पड़ो कई कई साधु मैंने कहते जे मानसिक कर्म वमर संकल्प जो कर्म होमें चिंता कर दूचे कर्म करने का सी मैं गोटे कर्म हो गला तार कर्म फल भोग करके पड़ो अच्छा चिंता करूँ तो यदि ये भाव कर्म फल आमको भोग करके पड़ो तो कर्मर फल भोग कर्म के सर कि आम जो चिंता करदे कर्म हो गला कर्म तो कले कर्म है चिंता कले भी कर्म हो गला चिंता कले तार कर्मर फल भोग करके पड़ो ते कर्मर फल मान चुक्त हो पार तो कर्म रु कर्मफल कर्मफल जत हम धरतु मुझे गोटे खराब कम कली एवं मत कौन से एक दरिद्र पर जन्म ना पड़ा कौन से एक चोर पर जन्म ना पड़ा एवं सी संस्कार जहाँ मुझे प्राय पाइली से पर संस्कार पाई मुझ अधिक चोर रु चोरी कम कली ताल मोर मुक्ति कड़े जीव शारीरिक कर्म मानसिक कर्म एवं संकल्प आम जो कर्म कर सब कर्मर फल जब आमको भोग करने को पड़े ताल संसार मुक्ति मिल तो आमको कहीं कई गुरु जगद्गुरु सब कहते जे ये तुम्हें ये संसार रे लक्ष लक्ष जन्म नवार अच्छे ये कहीं कर्म तुम एत कर तार फल भोग करने को तुमको लक्ष लक्ष कोटि कोटि जन्म ना पड़ो एवं ये कोटि कोटि जन्म रु लक्ष लक्ष जन्म रु पारी हवा को हेले तुम बर्तमान तुम तो निजे पारि हो पारे तुम दरकार जो गाइड जमी जंगल को पारि हाक जंगली रास्ता को पारि हाक तुम एक जंगल रास्ते पशिज बाघ भालू तो भय अच्छे एवं रास्ता भूल जाइ पार हे तो सका बाहरी सन्ध्या बेलू तुम जो बाहर पुणी से पहुंच जमी जंगल पथ खोजाटा गोटे भारी कष्टर काम से गोटे गाइड दरकार सेमती का ये संसार बंधन रु पारि का संसार संसार कर्म सगर रु पारि का भव सगर को पारि का दरकार जो गुरु
ଟିକେ ଭଲ କରି ବିଚାର କରନ୍ତୁ ଯେ ସଂସାରରୁ ମୁକ୍ତି ଆମର ପ୍ରକୃତରେ ସଂସାରରୁ ମୁକ୍ତି ଆମେ ପାଇପାରିବା ନା ମୁକ୍ତି ଖାଲି ଗୋଟେ କଥାର କଥା। ତେଣୁ ବାସ୍ତବରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନାରେ ଉପନୀତ ହେଉଛୁ ଯେ ମୁକ୍ତି କେବଳ କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥାର ହିଁ କଥା। ଯେଉଁ ଭାବରେ ଆମେ ମୁକ୍ତିକୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛୁ, ଯେଉଁ ଭାବରେ ଆମକୁ ମୁକ୍ତି କ'ଣ ବୋଲି କହି ଦିଆଯାଇଛି, ସେଇଭଳିଆ ମୁକ୍ତିର ବାସ୍ତବରେ କୌଣସି ସ୍ଥିତି ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପ୍ରକୃତରେ ମୁକ୍ତି ମୁକ୍ତି ତାହେଲେ କ'ଣ। ଆମେ ଯଦି ଭାବୁଛୁ ଯେ କର୍ମ ହେଉଛି ବନ୍ଧନର କାରଣ, ତାହେଲେ ଆମେ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁକର୍ମ କରିବା ତା'ର ଫଳ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମକୁ, ଏବଂ ଫଳ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲେ ଆମକୁ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏବଂ କିଛି ଖରାପ କାମ କଲେ ତା'ର ମଧ୍ୟ ଫଳ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏବଂ ସେ ଫଳ ଭୋଗ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ସୁକର୍ମର ଫଳ ଯଦି ଗୋଟେ ସୁକର୍ମ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଲୁହାର ଶିକୁଳି ହେଇପାରେ, ସୁନାର ଶିକୁଳି ନିଆଯାଇପାରେ, କୁକର୍ମକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଲୁହାର ଶିକୁଳି ଭାବେ ନେଇପାରିବା। ଦୁଇଟି ଯାକ କର୍ମ ସଦାବେଳେ ବନ୍ଧନର କାରଣ। ତେଣୁ ମୁକ୍ତି କ'ଣ, ମୁକ୍ତି କ'ଣ, ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ବାସ୍ତବରେ ମୁକ୍ତି କ'ଣ, ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଦିନେ ଜନକ ମହର୍ଷି ତାଙ୍କର ସଭାରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ ଯେ ହେ ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ, ମୋତେ ଟିକେ ମୁକ୍ତିର ମାର୍ଗ କହିଦିଅ ତ। ସମସ୍ତ ପଣ୍ଡିତ ହତବାକ୍, ମୁକ୍ତିର ମାର୍ଗ ବତେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି କେହି, ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଯେ କିଭଳି ସାଧାରଣ ଶବ୍ଦରେ ମୁକ୍ତି କ'ଣ, ଯାହାକୁ ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତାହା ଜନକଙ୍କ ପରି ମହର୍ଷିଙ୍କୁ ରାଜର୍ଷିଙ୍କୁ ଜଣାଇବେ। ତ ଏହି ସମୟରେ ଅଷ୍ଟାବକ୍ର ଋଷି ଆସି ପଣ୍ଡିତ ସଭାରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ଆମେ ତ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଅଷ୍ଟାବକ୍ରଙ୍କର ଆଠଟା ବକ୍ର ଯୋଗୁଁ ବେଳେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଚାଲିରେ ହସିଥାନ୍ତି, ଏବଂ ସଭାରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ପଣ୍ଡିତମାନେ ମଧ୍ୟ ହସିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଯେ ଅଷ୍ଟାବକ୍ର ଋଷି ଆସିଗଲେ ମଧ୍ୟ ସିଏ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣିବା। ଜନକ ମହର୍ଷିଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଜନକ ମହାରାଜଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ହେ ମହର୍ଷି ଅଷ୍ଟାବକ୍ର, ମୋତେ ଆପଣ କହିପାରିବେ କି ମୁକ୍ତିର ମାର୍ଗ କ'ଣ। ଅଷ୍ଟାବକ୍ର କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଜନକ, ମୁକ୍ତିର ମାର୍ଗ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସହଜ, ଏ ମୁକ୍ତିର ମାର୍ଗ ଅତି ସହଜ। ଆପଣଙ୍କୁ ଘୋଡ଼ାର ରେକାବରେ ପାଦ ଦେଇ ଘୋଡ଼ା ପିଠିରେ ସବାର ହେବା ପାଇଁକା, ବସିବା ପାଇଁକା ଯେତିକି ସମୟ ଲାଗେ, ସେତିକି ସମୟ ଭିତରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତିର ମାର୍ଗ ବତେଇଦେବି। ସଭାରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ପଣ୍ଡିତମାନେ ଠୋ ଠୋ ହସୁଛନ୍ତି ଯେ ଅଷ୍ଟାବକ୍ରଙ୍କ ଭଳି ଏକ ଅର୍ବାଚୀନ ସେ କହୁଛି କ'ଣ, ନା ଘୋଡ଼ାରେ ଚଢ଼ିବାକୁ ଯେତିକି ସମୟ ଲାଗିବ ସେତିକି ସମୟ ଭିତରେ ସେ ଜନକ ମହର୍ଷିଙ୍କୁ, ଜନକ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଇପାରିବେ ମୁକ୍ତିର ରହସ୍ୟ, ମୁକ୍ତିର ବାଟ। କୌଣସି ହସକୁ ଖାତିର ନ କରି ଜନକ ଅଷ୍ଟାବକ୍ରଙ୍କର ପାଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପାଦ ପୂଜା କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଅଷ୍ଟାବକ୍ର ତାଙ୍କୁ ନେଇଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲକୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲକୁ ନେଲା ପରେ ଅଷ୍ଟାବକ୍ର ତାଙ୍କୁ ଯାହା ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ଅଷ୍ଟାବକ୍ର ଗୀତା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏବଂ ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ ପଦ ଯେଉଁଟାକୁ ଅଷ୍ଟାବକ୍ର କହିଛନ୍ତି ମୁକ୍ତି କ'ଣ ବୋଲି, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତରେ ଜନକକୁ ଯିଏ ପ୍ରଥମରୁ କହିଲେ ଯେ ଘୋଡ଼ାର ରେକାବରେ ପାଦ ଦେଇ ଘୋଡ଼ାରେ ବସିବାକୁ ଯେତିକି ସମୟ ଲାଗିବ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରକୃତରେ ସେତିକି ସମୟ ଲାଗିବ। ଅଷ୍ଟାବକ୍ର ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ମୁକ୍ତି କ'ଣ, ଯଦି ଦେହମ୍ ପୃଥକୃତ୍ୟ ଚିତ୍ତି ବିଶ୍ରାମେ ତିଷ୍ଠସି ଅଧୁନୈବ ସୁଖୀ ଶାନ୍ତୋ ବନ୍ଧମୁକ୍ତ ଭବିଷ୍ୟସି। ହେ ଜନକ, ଯଦି ତୁମେ ଦେହ ଭାଙ୍ଗରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇକିରି, ଦେହ ଅଭିମାନକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକିରି ଆତ୍ମାରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଚିତ୍ତରେ ତିଷ୍ଠ ରହିବ, ତାହେଲେ ଅଧୁନାଇବ ରାଇଟ୍ ନାଓ, ଇମିଡିଏଟଲି ନାଓ, ଏଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅଧୁନାଇବ ସୁଖୀ ଶାନ୍ତୋ, ତୁମେ ସୁଖୀ ହେଇପାରିବ, ତୁମେ ଶାନ୍ତି ଲାଭ କରିପାରିବ, ବନ୍ଧ ମୁକ୍ତ ଭବିଷ୍ୟସି, ସମସ୍ତ ବନ୍ଧନରୁ ତୁମେ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବ, କୌଣସି କର୍ମର ବନ୍ଧନ ତୁମକୁ ଲାଗିପାରିବ ନାହିଁ। ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ତୁମକୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ତୁମକୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଜୋନିରେ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ତୁମକୁ ମାତୃଗର୍ଭକୁ ବାରମ୍ବାର ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତୁମେ ଯେଉଁଠି ଅଛ, ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅଛ, ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯଦି ଦେହମ୍ ପୃଥିକୃତ୍ୟ ଚିତ୍ତି ବିଶ୍ରାମେ ତିଷ୍ଠସି ଅଧୁନୈବ ସୁଖୀ ଶାନ୍ତୋ ବନ୍ଧମୁକ୍ତ ଭବିଷ୍ୟସି। ହେ ଜନକ, ନିଜକୁ ନିଜେ ଚିହ୍ନି ଯାଅ, ତୁମେ ନିଜେ କିଏ ବୋଲି, ତୁମେ ପ୍ରକୃତରେ ଶରୀର ନୁହଁ, କାରଣ ତୁମେ ହେଉଛ ଆତ୍ମା, ଆତ୍ମା ହେଉଛି ଅବିନାଶୀ, ଅଜର, ଅମର। ଆତ୍ମାକୁ ପାଣି ବୁଡ଼େଇ ପାରେ ନାହିଁ, ଆତ୍ମାକୁ ଅଗ୍ନି ଦହନ କରିପାରେ ନାହିଁ, ଆତ୍ମାକୁ ବାୟୁ ଶୁଖେଇ ଦେଇପାରେ ନାହିଁ, ଏବଂ ଆତ୍ମା ହେଉଛି ଏକ ଚିରନ୍ତନ ସତ୍ୟ। ତୁମେ ହେଉଛ ଆତ୍ମା,
तुम्हें ये पंच महावतार गठित नश्वर शरीर नुह तेणु निजकु ये शरीर पृथक कर नियो ये देह भान को त्याग कर दियो निजकु ठीक भाव चिन्ह जाओ जो मुहूर्त तुम्हें ये देह को पृथक कर दे पार निजकु आत्मा बोली तुम्हें सठिक भाव दृढ़ भाव ठीक भाव बुझी पार तो से मुहूर्त तुम हो पार सुखी शांत एवं समस्त बंधन से मुक्ति पाइब या कह जाए मुक्ति जी था मुक्ति जीवन मुक्ति यही गोटे अवस्था जो अवस्था को मनुष को अपेक्षा करा पड़े ना जो अवस्था पाइबापी का मनुष को ये पृथ्वी को छाड़ देवा पड़े ना जो अवस्था पाइला मनुष्य पृथ्वी को सगर बोली मन कैर ना ये पृथ्वी सगर नुह ये पृथ्वी हूँ गोटे हाइएस्ट डेभलपड परफेक्ट लाबरेटोरी परफेक्टली डेभलपड हाइली परफेक्टली डेभलपड लाबरेटोरी आम समस्त हूँ गोटे गोटे वैज्ञानिक प्रत्येक वैज्ञानिक को आमको ये पृथ्वी को आसवा पड़ी एवं आम आम समस्त मानवीय गुण को परीक्षा करने का गोटे परीक्षागार आम चाहू पृथ्वी हूँ से परीक्षागार ये बुद्धदेव को आसवाक पड़ी ये जीशुख्रीट को आसवाक पड़ी ये गुरु नानक को आसवाक पड़ी ये रामा दामा सामा टम हेरी समस्त को आसवाक पड़ी कारण यहाँ हूँ लाबरेटोरी जमती जड़े अति उच्च मानर वैज्ञानिक उत्कृष्ट वैज्ञानिक गोटे उत्कृष्ट उन्नत लाबरेटोरी देखिले मन कुंडे मोट हो जाए मन बहुत मान आनंद फुली उठे काम करने को मन में बहुत बल आसे साहस आसे कारण ताकि भल लाबरेटोरी अच्छी जो लाबरेटोरी नहीं से काम करमती भाव आम प्रत्येक आम प्रत्येक ये संसार हूँ गोटे लाबरेटोरी गोटे डेभलप्ड लाबरेटोरी कारण समस्त मानवीय गुण को परीक्षा करने का संसार ही दरकार अच्छे से आमर गोटे श्लोक अच्छी जे मुक्त भी मानी मुक्त ही बद्धो बद्ध भी मान्यपि किंवदती ह्य सत्ययम जा मतिर्षा गति भवेत जे एठारे जे भावुचि जे मुक्त से मुक्त यदि आप भावे जे मुझे बंधन अच्छी तब आप बंधन अच्छा प्रकृत में बंधन मुक्त किसी ना जिते पर्यटन आप भाव बंधन अच्छे देह को जो भाव मुझे देह बोली आप बंधन अच्छा द भेरी मोमेंट जो मुहूर्त आप चिंता कले जापारे बुझीपारे जो हूँ आत्मा बंधन मुक्त हो गल आपंकर मुहूर्त आप बंधन किसी ना बास्तव में अमृतर संतान परमपिता परमात्मा संतान तार बंधन कौटी अच्छी तार तो कौन बेले बंधन ना से सदा मुक्त से सदा पूर्ण से पूर्ण पूर्ण मद पूर्ण मीदम पूर्णात् पूर्ण मुदच्यते पूर्ण से पूर्ण मदाय पूर्णमेव अवशिष्यते से पूर्ण से केत बंधन ना बंधन केवल गोटे भावना आम बेबे कहू आम कहू जे जादृशी भावना समय सिद्धिर भवती तादृशी जमी आम भावना सिद्धि आम सेम हम मुक्ति बास्तव में ये रहीकि यही संसार रहीकि आमको अनुभव करार अच्छे से भगवद गीतार जे मुक्त स्थित प्रज्ञ कह से मुक्त लोकर जहाँ कर्म कले तार बंधन लगे ना बंधन मुक्ति विषय भगवद गीतार गोटे श्लोक अच्छी जे योगयुक्त विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रिय सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते योग युक्त विशुद्धात्मा योगरे युक्त होकर जो आत्मा विशुद्ध हो जाए विशुद्ध आत्मतत्व आम स्थित हो जाऊ से योग युक्त विशुद्धात्मा विजितात्मा से आम जानवा जो आत्मा विजय लाभ करूँ आत्मज्ञान आम विजय लाभ करूँ जितेन्द्रिय से आम देह अभिमान दूरे जाऊँ इंद्रिय को आमको जय कर पड़े ना इंद्रिय आपे आपे जय हो जाए कारण आम जापरू जे इंद्रिय आम नुह तेणु इंद्रिय आपे आम बसरे रही जाए तेणु जोगयुक्त विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रिय सर्वभूत भूतात्म भूतात्मा से आम बुझीपरू जो मोर आत्मा जहाँ
ये सर्वभूतरे से आत्मा अच्छा मो भर जो आत्मा अच्छी समस्त भूत से आत्मा अच्छा आम बुझीपरू सर्वभूतात्म भूतात्मा पूर्वन्नपि न लिप्यते से ही अवस्था आम जहाँ करू आमर बंधन लगे ना कौन सी कर्म बंधन आमको लगे ना आपण दस जन्म आसतु पचास जन्म आसतु जिते जन्म आसतु ये पृथ्वी को आसतु जो ये अवस्था आप प्राप्ति होते आप सदा मुक्त ही मुक्त केत बंधन हो पार ना कारण आप अमृत सन्तान भाई निजी को निज अनुभव करेंगे आप जापर जो मो आत्मा एवं सर्वभूत जो आत्मा से सामान तेनालीरु जहाँ कर चलत कारण से अवस्था गोटे स्थित आप आसीज से स्थित को आसगले आम बर्तमान खाली आलोचना करुच्छ से स्थित को जो अनुभव कर से अवस्था से जो कम कर से कम बंधन लगे ना से अवस्था को जो प्राप्त हो जाए तक रमण महर्षि कहते से अवस्था से जो कम कै से हूँ एमतीया ईश्वर अर्पितम नेच्छयाकृतम चित्त शोधकम मुक्ति साधकम जो कर्म कर जाए से कर्म सब ईश्वर को अर्पण कर चले कारण से बुझीपे ये सारा विश्व ये सृष्टि हूँ गोटे नाटक ये नाटक को परमपिता परमात्मा सृजना कर नाटक मुझे पाठ करुच्छे तेनाली जहाँ से कर्म कर चलती से कर्म को ईश्वर अर्पित कर्म जहाँ कर्म करती ईश्वर को अर्पण कर्म करती फल लाभ न था लोभ न था ईश्वर को आम जहाँ अर्पण करदेलु जहाँ कौन है प्रसाद तेनाली प्रसाद जहाँ हो खबार अच्छे तेनाली जो कर्म आम कलु ईश्वर को अर्पण करदेचु तो जहाँ फल लाभ है प्रसाद बुझे सेवन करवा से भाया कर्म कले कौन हुए चित्त शोधकम मुक्ति साधकम से भाया कर्म आम चित्त शुद्धि लाभ करे और मुक्ति आमको मिले मुक्ति कत मिल वर्तमान यही मुहूर्त रईट नाउ से सब बड़ कथा जे आम निजी निजे चिन्ह पार आमको सृष्टि करें ठीक चिन्ह पार प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय परमपिता परमात्मा शिव भगवान प्रजापिता ब्रह्मांकर शरीर प्रवेश करी आमको गोटे केवल मंत्र दौंट जे मुक्तिर मार्ग तो मुझे कहे पिले शुण बड़ प्यारे से कौन बड़ स्नेहर कौन मिठे बच्चे मुक्तिर मार्ग हूँ गोटे से कौन याद याद मान कौन स्मृति केवल स्मृति रहू जे तुम्हें हूँ आत्मा जहाँ को सामने देखु सी हूँ आत्मा एवं आत्मार कर्ता सृष्टिकर्ता होती आत्मार पिता हूँ परम पिता परमात्मा शिव जे कि शांतिधाम परमधाम अवस्थान कर बास एति याद कर एति मन पकाओ एति जोग कर जे मो हूँ आत्मा मोर बापा हूँ परमात्मा एवं ये परमात्मा संतान हेतु ये परमात्मा जहाँ जहाँ दिव्य गुण अच्छे ये सब गुण अधिकारी मु आप तो यही स्थित रही थे से स्थित रहा आप कर्म सब विभिन्न मैं परिवर्तन हो संसार लिप्त रही है आप जहाँ भी कम करूँ आप देखु आम पूर्व आलोचना करल कम कले आप भल फल पाइबे खराब कम कले आप खराब फल पाइबे भल कर्म फल भल कर्म जब आप सुनार सिकुड़ी खराब कर्म को आप कह लुहार सिकुड़ी धीरे जाक बंधन कारण किंतु जो मुहूर्त आप याद आसीगला स्मृति आसीगला आप निजी चिन्ह पारे आत्मा बोली परमपिता परमात्मा को आप चिन्ह पारे सागे संपर्क जोड़ीदे से मुहूर्त आप जहाँ जहाँ कर्म कर चलने बंधन कारण हे ना आपट सही संसार रहीकि आप जो जीवन जापन करेंगे से जीवन गोटे भिन्न प्रकार जीवन हो जहाँ कह जाए सबसे न्यारा सबसे प्यारा समस्त अलग समस्त प्रेम करवा
आसी चांती शिव बाबा आसी चांती विश्व मचारे विश्व राजयता शिव बाबा आसी चांती शिव बाबा आसी चांती मानव देवता संसार को स्वर्ग मानव देवता संसार को स्वर्ग संगम रे गढ़ुचंती विश्व मचरे विश्व रचयिता शिव बाबा आसी चंती शिव बाबा आसी चंती शिव
शिव बाबा आसी शिव बाबा आसी।